अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू हैव डन ऑल योर प्रीवियस वर्क. नाउ टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 12. राइट क्वेश्चंस यूजिंग कैन ही. आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग यस ही कैन और नो ही कांट. फर्स्ट यू लुक एट दिस पिक्चर्स, ओके? और आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए क्वेश्चंस बनाने, ठीक है? और फिर आपने आंसर करना है कि यस ही कैन और नो ही कांट. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. वॉक ऑन द टाइट रोप. कैन ही वॉक ऑन द टाइट रोप? यस ही कैन. पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ना, ही कैन रन, ही कैन वॉक ऑन द टाइट रोप. सो हमने आंसर किया यस ही कैन राइड अ यूनिसाइकल. अब आप लुक एट द पिक्चर, ठीक है? हमने सेंटेंस बनाना है, कैन ही राइड अ यूनिसाइकल. अब आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बेबी यूनिसाइकल नहीं रन कर राइड कर सकता, तो हम लिखेंगे नो ही कांट. ओके, नो ही कांट. I already have told you that we have used can't as a contraction of cannot. Okay? Can't जो है वो cannot का contraction होता है. Can he do a handstand? Yes, he can. ये handstand कर सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे yes, he can. Okay? Can he juggle? ये balls के साथ juggling कर सकते हैं? Yes, he can. Yes, he can. Can he walk on stilts? Yes, he can. Okay? Now complete your exercise and post it in your homework. Now we are on exercise E, page number 13. राइट, कैन शी जगल, सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है? कैन शी जगल टू बॉल्स? टू बॉल्स जगल कर सकती हैं? यस शी कैन, ठीक है? फिर आपने लिखना है कैन शी जगल थ्री बॉल्स? यस शी कैन. इसको आपने ऐसे करके सर्कल कर देना है, ठीक है? कैन शी जगल फोर बॉल्स? ये फोर बॉल्स भी जगल कर सकती हैं, यू कैन सी. सो आपने लिखना है यहाँ पे कैन शी जगल, ओके? फोर बॉल्स? यस शी कैन. कैन शी जगल फाइव बॉल्स? अब ये फाइव बॉल्स जगल नहीं हो गई, ठीक है? नो शी कांट. अंडरस्टैंड? नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज डी एंड ई, पेज नंबर 12 एंड 13, एंड पोस्ट इट इन योर क्लासरूम. थैंक यू सो मच.